आज हम यांत्रिक तरंगों के प्रकार में अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व आपको यांत्रिक तरंग यांत्रिक तरंग इन सब के बारे में बताया गया था। तरंग क्या होता है, यांत्रिक तरंग क्या है, किस प्रकार की कंडीशन में यह होता है, उस कंडीशन से हट करके अन्य स्थिति में जो तरंग है अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके बारे में बताया गया था। और इस प्रकार के यांत्रिक तरंग के प्रकार के अंतर्गत दो प्रकार, अनुप्रस्थ तरंग और अंधेरित तरंग, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग को पहले बताया गया था, आगे पढ़ेंगे। उससे पूर्व एक बार फिर से यांत्रिक तरंग के बारे में, जैसा कि बताया गया, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। अर्थात विक्षोभ उत्पन्न होने एवं उसके आगे बढ़ने से यांत्रिक तरंगें बनती हैं। अब मुख्यतः हम यदि यांत्रिक तरंग की चर्चा करते हैं तो यांत्रिक तरंग क्या है, विक्षोभ के उत्पन्न होने से एवं उसके आगे बढ़ने से यांत्रिक तरंगें बनती हैं। इस यांत्रिक तरंग में दो प्रकार बताया गया था, एक अनुप्रस्थ तरंग या सरे अनुप्रस्थ तरंगें, दूसरा अंधेर्ध तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। किसी माध्यम के जो कण हैं उन कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, तो उस माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे एक रस्सी का एक सिरे बांध करके और उसको खींचे तो ये रस्सी है, इसको हमने किनारे बांध दिए, दूसरे सिरे को हाथ से लेकर झटका देते हैं तो इसमें पूरे भाग में इस प्रकार से कंपन उत्पन्न हो जाता है, या ऐसा कहें कि यह भाग इस रूप में ऊपर नीचे गति करने लगता है। यहां पर यदि हम लेते हैं तरंग संचरण की दिशा को इधर ले लेते हैं तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में ये जो है इसके लंबवत गति करते हुए आगे बढ़ रहा है। यह स्थिति हो जाती है अनुप्रस्थ तरंग की, इसमें माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। इसमें इसे यहां पर देखें हम तो ये माध्य स्थिति है, तो इस माध्य स्थिति से ये जो अधिकतम विस्थापन है ये अधिकतम विस्थापन माध्य स्थिति से ऊपर की ओर अथवा कण का नीचे की ओर, ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन, या ऐसा कहें नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन, ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको शीर्ष या स्ट्रिंग कहते हैं, नीचे की ओर के अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं। दो क्रमागत शीर्ष या ऐसा कहें दो क्रमागत स्ट्रिंग जैसे ये, इनके बीच की दूरी या ये जैसे ये गर्त है, इसको नाम देते हैं श्रृंग। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह क्या है, ये माध्य स्थिति है। और यहां से ये
विस्थापन ऊपर की ओर, इधर का विस्थापन ले लेते हैं तो ये विस्थापन जो है नीचे की ओर के लिए। तो यह है अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। इस अनुप्रस्थ तरंग में यह तरंग केवल दृढ़ माध्यम में उत्पन्न होती है, दृढ़ माध्यम जैसे ठोस, ठोस में उत्पन्न की जा सकती है, गैसों में यह तरंग उत्पन्न नहीं होती। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में उत्पन्न होती है, गैसों में उत्पन्न नहीं होती। द्रव की केवल सतह पर बन सकती है, द्रव के भीतर नहीं। तो इस प्रकार से हम देखे थे अभी अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, जिसमें कि माध्यम के कण कंपन करने की दिशा, कण के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अब हम आगे देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है, किसी माध्यम के जो कण हैं वे कण कंपन करते हैं और उन कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसमें एकांतर क्रम में माध्यम के कण कुछ स्थान पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा पास पास होते हैं, जिसे संपीड़न की अवस्था कहेंगे, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर वे दूर दूर होते हैं, जिसे विरलन की अवस्था कहते हैं। जैसे इसमें भी अंदर तरंग में भी वक्र या ग्राफ अनुप्रस्थ तरंग के जैसा ही रहता है। स्थिति यह है कि इसमें अंदर तरंग में कुछ स्थान पर जो माध्यम के कण हैं वे पास पास में होते हैं, जैसे यहां पर ये स्थान पास, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं संपीड़न। कुछ भाग इसमें ऐसा हो जाता है जहां पर वे दूरी दूरी पर रहते हैं, वह स्थान रहता है विरलन, एकांतर क्रम में, अर्थात एकांतर क्रम में माध्यम में के कण जो हैं वे संपीड़ित होते हैं, अर्थात पास में आते हैं फिर दूर हो जाते हैं, विरल। इस प्रकार से संपीड़न की अवस्था में माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था, ये संपीड़न है ये स्थिति, तो इस संपीड़न की अवस्था में माध्यम का जो घनत्व है और दाब है वह, संपीड़न की अवस्था में माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है, और विरलन की स्थिति में दाब और घनत्व समान अवस्था की अपेक्षा कम होता है, ये विरलन की स्थिति में। यह है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बताया गया? कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। यहां पर जैसे देखते हैं ये तरंग संचरण, ये तरंग संचरण की दिशा, और कण भी जो है उसी रूप में गति कर रहे हैं, कंपन। कुछ स्थान जहां पर माध्यम के कण सामान्य अवस्था के पीछे पास पास होते हैं इसको संपीड़न की अवस्था, और जहां पर वे दूर दूर होते हैं उसको विलयन की अवस्था कहते हैं। संपीड़न की अवस्था में घनत्व और दाब सामान्य अवस्था के पीछे अधिक होता है, विलयन की अवस्था में दाब और घनत्व सामान्य अवस्था के पीछे कम होता है। अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम, ठोस या द्रव या गैस में उत्पन्न की जा सकती है।
वायु में तथा द्रवों के भीतर उत्पन्न तरंगे सदैव अंदर्ध तरंग होती है। यह था अंदर्ध तरंग के बारे में। तो यांत्रिक तरंग जो कि द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न होता है, जो कि विक्षोभ उत्पन्न होने एवं उसके आगे बढ़ने के कारण यांत्रिक तरंग बनती है, यह यांत्रिक तरंग दो प्रकार का बताया गया, अनुप्रस्थ और अंदर्ध। तो इन दोनों तरंगों में अब एक बार फिर तुलनात्मक रूप में देख लेते हैं क्या, अभी अलग अलग देखे थे, अनुप्रस्थ तरंग और अंदर्ध तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कारण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अर्थात इसका मुख्य बात हो गया कण लंबवत कंपन करते हैं, कण लंबवत तरंग संचरण, कण लंबवत अनुप्रस्थ तरंग में कण जो है वो लंबवत कंपन करते हैं। किसके लंबवत कंपन करते हैं? तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के, ये मुख्य बात। और अंदर्ध तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में, अर्थात कण तरंग संचरण की दिशा में, ऐसा कह सकते हैं समांतर, किसके? तरंग संचरण की दिशा के, ये बात। एक में लंबवत कंपन करता है और एक में समांतर। इसमें अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है, और अंदर्ध तरंग में संपीड़न विरलन के रूप में तरंग आगे बढ़ता है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस, केवल ठोस माध्यम, केवल ठोस माध्यम में होता है, वह द्रव की, द्रव यदि है माध्यम के रूप में तो उसके क्या, केवल सतह पर, उसके भीतर नहीं। और अंदर्ध तरंग जो है वो सभी माध्यम, सभी माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस सब में। तो ये इस प्रकार के यांत्रिक तरंग के दो प्रकार हैं, जिसमें कुछ कुछ अंतर इस तरीके से है कि अनुप्रस्थ तरंग के जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, कण जो है लंबवत गति करते हैं, कण लंबवत गति करते हैं, लंबवत गति, लंबवत गति से तात्पर्य जो है कंपन। इस गति को हम क्या लिखते हैं? कंपन भी कह सकते हैं, इस तरंग संचरण की दिशा के। और इसमें कण जो है समांतर गति करते हैं, समांतर गति मतलब कि ये गति को हम जो है कंपन कह सकते हैं, कंपन करते हुए तरंग संचरण की दिशा के समांतर। इसके उदाहरण के रूप में हम यदि समझना चाहें तो जैसे कि रस्सी है, उस रस्सी के किनारे को बांध लें और झटका दें तो उसकी जो तरंग आएगी उसमें वह। इसमें ले लेते हैं उदाहरण स्प्रिंग का, स्प्रिंग को यदि खींचे और छोड़ दें तो उसमें कुछ वो संपीड़ित होता है, फिर फैलता है, फिर संपीड़ित होता है, इस रूप में। ये था आगे अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है,
और यह संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ता है। अंदर तरंग, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में होता है, द्रव माध्यम है यदि तो उसकी सतह पर संचरित होता है, हो सकता है। और अंदर तरंग सभी माध्यम अर्थात ठोस द्रव एवं गैस में। तो यह यांत्रिक तरंग के बारे में था जिसमें कि तरंग जो विक्षोभ के कारण उत्पन्न हो रहा है, या ऐसा कहें कि विक्षोभ के उत्पन्न होने उसके आगे बढ़ने से यांत्रिक तरंगें बनती हैं, और यांत्रिक तरंग जो है वह केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही संचरित होता है। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आगे देखते हैं हम ध्वनि तरंग के बारे में। ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगों से तात्पर्य है कि प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न सभी प्रकार की तरंगे, प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न सभी प्रकार की तरंगे, चाहे वह सुनाई दे या न दे। प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न वह सभी तरंगे, चाहे वह सुनाई दे या न दे, उन तरंगों को हम कहते हैं ध्वनि तरंगे। अर्थात प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न सभी प्रकार की तरंगों को, चाहे वह सुनाई दे या न दे, ध्वनि तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति के लिए ध्वनि स्रोत का कंपन होना आवश्यक है। ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति पराश जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये जो आवृत्ति पराश है इसको हम कहते हैं श्रव्यता की सीमा। इसका तात्पर्य है कि हम जो सुन सकते हैं इस परास के मध्य की तरंगों को ही हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से यदि कम है ये क्या हो गया? यह है श्रव्यता परास। 20 हर्ट्ज से कम है यदि तरंग, प्रत्यास्थ माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न हुई है और उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसको अवश्रव्य तरंगे और हर्ज से अधिक है तो उसे परा श्रव्य तरंगे कहेंगे। यह है ध्वनि तरंग। क्या कहा गया? कि प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न सभी प्रकार की तरंगे, चाहे वह हमको सुनाई दें या न दें, ध्वनि तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति के लिए ध्वनि स्रोत का कंपन आवश्यक है। आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को सुन सकते हैं, इसलिए इस आवृत्ति परास को श्रव्यता सीमा कहते हैं। जिन तरंगों की आवृत्तियां 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति उसे अवश्रव्य तरंगे, तथा जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि तरंगों की विशेषता क्या हो गई? कि
ये तरंगें ध्वनि स्रोत के कंपन से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम, द्रव्यात्मक माध्यम होना आवश्यक है। यह तरंगें अंधेर तरंग होती है। ध्वनि तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण घटना हो सकती है। क्या क्या ध्वनि स्रोत के कंपन से उत्पन्न होती है? ध्वनि स्रोत कंपन करता है तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। द्रव्यात्मक माध्यम आवश्यक है। द्रव्यात्मक माध्यम आवश्यक है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है। यह तरंगे अंधेर तरंग होती है। और इनमें ध्वनि तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण घटना हो सकती है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना संभव नहीं है। ध्रुवण की घटना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न माध्यमों में इसका वेग भिन्न भिन्न होता है। में वेग भिन्न भिन्न होता है। यह था ध्वनि तरंग के बारे में। तो अभी आप देख रहे थे ध्वनि तरंग के बारे में। ये कुछ विशेषताएं ध्वनि तरंग की कि ध्वनि तरंग ध्वनि स्रोत के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि तरंगें अंधेर तरंग होती हैं। ध्वनि तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण घटना हो सकती है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग माध्यम माध्यम से तत्व, जैसे मान लीजिए कि आवाज जा रही है, कांच है माध्यम के रूप में, जल है, वायु है या अन्य कोई, तो वही भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। यह था ध्वनि तरंग के बारे में। अब हम आगे देखेंगे तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, मतलब कुछ तरंग गति से संबंधित अतिरिक्त जानकारी।
किसी माध्यम में किसी कण की जो गति है उस गति, या ऐसा दूसरे शब्दों में कहें हम कि तरंग गति को और अच्छी तरह से समझने के लिए उससे संबंधित कुछ पदों को जानना भी आवश्यक है। उन पदों के अंतर्गत आ जाता है जैसे आयाम, तरंग दैर्ध्य, तरंग चाल, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, ये सब पद देखते हैं क्रमशः। सर्वप्रथम आयाम। आयाम से क्या तात्पर्य है, इसके पूर्व तो अभी हमने इस अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं तरंग के बारे में कि ऊर्जा का संचरण जो है वह दो तरीके से या दो प्रकार से होता है, द्रव्य की गति के द्वारा और तरंग की गति के द्वारा। तरंग जो है किसी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है, अर्थात ऐसा कहें कि विक्षोभ के उत्पन्न होने से और उसके आगे बढ़ने से तरंगे या यांत्रिक तरंगे बनती हैं। तो उन तरंगों से संबंधित ये जो तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, अंदर तरंग जो पढ़े अभी, उसमें कुछ पद आएंगे समझने के लिए, जिसमें सर्वप्रथम है आयाम। आयाम से क्या तात्पर्य है, जैसे शुरू में बताया गया था आपको कि यांत्रिक तरंगों में ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुणों प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के कारण ही संभव है। प्रत्यास्थता के कारण बल लगाने पर माध्यम के कण विस्थापित हो जाते हैं और बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। जड़त्व के कारण माध्यम में अवस्था परिवर्तन के विरोध का गुण होता है। अर्थात क्या निष्कर्ष बताए थे कि माध्यम के कण अपनी प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के गुण के कारण अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो वही जब माध्यम का कोई कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है तो साम्य स्थिति के दोनों ओर जब कंपन करता है, जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, जैसे हम देखते हैं ये कण यहां इतना दूर गया, फिर ये इस चित्र पे ध्यान देंगे, कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये विस्थापन है इधर, ये माध्य स्थिति यहां पर ले लेते हैं बिंदु O से, तो कण यहां से अधिक से अधिक ये ऊपर की ओर यहां तक के गया, ये अधिकतम विस्थापन हुआ। या ऐसा कहें इस तरफ नीचे की ओर लेते हैं तो ये अधिकतम विस्थापन है, इसको संकेत A से दर्शा लें, कैपिटल A से। तो वह अधिकतम विस्थापन को ही हम कहते हैं आयाम। विस्थापन तो यहां पर भी हुआ है, इस जगह से यहां पर भी गया है, यहां भी गया है, यहां भी, लेकिन जो अधिकतम विस्थापन है माध्य स्थिति से वही अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। अगली बारी आ जाती है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है, कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसे संकेत टी से दर्शाते हैं। अर्थात आवर्तकाल एक समय है, कौन सा समय है, वह समय है जिसमें कि कण एक कंपन पूरा करता है। परिभाषा क्या हो जाएगा, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं।
इसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति क्या हो जाएगी? माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं लेकिन अंतर आ रहा है थोड़ा, आवृत्ति क्या बोला गया कि कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन पूरा करता है, यहां पर कंपन की बात आ रही है, और यहां पर एक कंपन में जितने समय लगता है, जितने समय में, तो इसमें समय पूछा जा रहा है और इसमें कंपन की संख्या, तो उस कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसको संकेत न्यू से या ऐसा संकेत एन से या एफ से, किसी भी एक इन संकेतों से दर्शाया जा सकता है। ये दोनों संबंधित कैसे हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल? तो एन इक्वल टू वन अपॉन टी, अर्थात आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल, प्रति सेकंड कह सकते हैं, प्रति सेकंड। कला, कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति और गति, कोई कण कंपन कर रहा है उसका किसी भी क्षण पर स्थिति क्या है, या किसी क्षण पर स्थिति और गति की दिशा, उस दिशा का ज्ञान जिस राशि से होता है उसे कण की कला कहते हैं। आगे है, यह था कला। इसके बाद तरंग दैर्ध्य, माध्यम के किसी कण के एक पूरे कंपन के समय में, माध्यम का कोई कण एक पूरा कंपन, ये पूरा कंपन ये हो रहा है इसका, ये एक पूरा कंपन, कोई कण एक पूरा कंपन करने के समय में तरंग जितनी दूरी चलती है वह दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। क्या बोला गया तरंग दैर्ध्य? कि एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी, जैसे यहां पर देखते हैं दो, ये और ये, एक कंपन यहां पर ये हो रहा है और यहां पे, लेकिन हम यहां देखें तो दोनों की दूरियां बराबर नहीं है, ये दूरी और यहां की दूरी देखते हैं तो ये लगभग ये इतनी बराबर नहीं आ रही है। क्या बोला गया? कंपन करते हुए, या ऐसा कहें कि माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में तरंग, यह तरंग जो है जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसकी परिभाषा अनुप्रस्थ तरंग के लिए लेते हैं यदि हम, तो अनुप्रस्थ तरंग में किन्हीं भी दो क्रमागत श्रृंग, जैसे यह तरंग यदि आगे बढ़ती है ये ऐसे, ये और ये श्रृंग, या यहां पर दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। अनुप्रस्थ तरंग के लिए दो क्रमागत शीर्ष श्रृंग के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है अनुप्रस्थ तरंगों में। और यदि अंदर तरंग की बात करें तो दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत अधिकतम संपीड़न और दो क्रमागत अधिकतम विरलन वाले कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तो इसके पहले जो बताया तो सामान्य था, और दोनों अलग अलग तरंगों के बारे में देखें, अंदर तरंग का और अनुप्रस्थ तरंग का, तो उन तरंगों की जो स्थितियां बनती है, जैसे कि अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष और गर्त के रूप में जब आगे बढ़ता है तो दो शीर्षों के बीच में या दो गर्तों, क्रमागत दो शीर्षों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी है वह तरंग हो जाएगी। और अंदर्ध तरंग की बात करें तो अंदर्ध तरंग में दो क्रमागत अधिकतम संपीड़न अथवा
दो क्रमागत अधिकतम विरलन वाले कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। तो ये तरंग दैर्ध्य को हम दो अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वह एक प्रकार की दूरी ही है जो कि अनुप्रस्थ तरंगों के लिए श्रृंग के बीच की और या गर्त के बीच की और अंदर तरंग के लिए संपीड़न के दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की। इसके बाद बारी आ जाती है तरंग चाल। क्या है? कोई तरंग एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है, एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है कोई तरंग, उसे तरंग चाल कहते हैं। कोई तरंग एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है वह कहलाता है तरंग चाल। आगे देखते हैं संबंध इनमें क्या है, कैसा। V अर्थात तरंग चाल, N N से तात्पर्य हो जाएगा आवृत्ति, लेमडा बराबर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, तरंग चाल भी आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य लिम्डा में संबंध। मान लो किसी तरंग की चाल है भी, कोई तरंग है वो भी चाल से चल रही है और उसकी आवृत्ति है n, आवर्त काल ले लेते हैं t, आवर्त काल टी और लेमडा तरंग दैर्ध्य, तब लेमडा जो तरंग दैर्ध्य है इसका परिभाषिक रूप में यदि हम इसकी व्याख्या लें या व्यंजक को लें तो लेमडा बराबर क्या जाएगा, आवर्त काल टी में आवर्तकाल टी में, अर्थात कह सकते हैं कि टी समय में तरंग द्वारा चली हुई दूरी, वह दूरी क्या है तरंग दैर्ध्य, बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। परिभाषा से चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उस रूप में चाल भी गुणा समय टी। परंतु टी बराबर हो जाता है एक बटे एन, अर्थात आवर्त काल बराबर एक बटे आवर्ती। इस मान को यहां पर रख दें तब क्या जाएगा, लेमडा बराबर v इंटू वन अपॉन एन। क्या हुआ, v का मान यथावत और t, t के बदले में एक बटे एन रखे तो क्या प्राप्त हुआ, लेमडा इक्वल टू v इंटू वन अपॉन एन, या यहां से v बराबर हो जाएगा n लेमडा, v इक्वल टू n लेमडा। यही है इन तीनों में संबंध, v में n में और लेमडा में तीनों राशियां। v क्या है यहां पर, v है यहां पर तरंग चाल, n आवृत्ति और लेमडा तरंग दैर्ध्य।
तो यह था तरंग गति से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द और उनमें आपस में कुछ राशियों में संबंध। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः अभी तक के क्या क्या देखिए उसको एक बार बताते हैं। तरंगे इसमें सर्वप्रथम आपको बताया गया था कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, ऊर्जा का स्थानांतरण दो प्रकार से होता है, द्रव्य की गति और तरंग की गति से। द्रव्य की गति और दूसरा तरंग। की गति से ये द्रव्य की गति और तरंग की गति से कैसे, तो वही तालाब वाला उदाहरण जिसमें कि तालाब में एक शांत तालाब में शांत जल, उस जल में यदि हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर में जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, वह ऊर्जा जल में गया, जल में जिस स्थान पर पहुंचा पत्थर वो पत्थर अपनी ऊर्जा जल को दे दिया, वहां पे उस स्थान पे विक्षोभ उत्पन्न हुआ, वह विक्षोभ उसी रूप में आगे बढ़ता गया, वह विक्षोभ उसी रूप में मौलिक रूप में आगे बढ़ता जाता है उसी चाल से। और यही विक्षोभ क्या है, यांत्रिक तरंग को उत्पन्न करता है। अन्य उदाहरण रस्सी का भी बताया गया था, इसमें यांत्रिक तरंग द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न होती है और जिसके लिए माध्यम में आवश्यकता नहीं है वैसे तरंग को हम क्या कहें, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग में जो ऊर्जा का संचरण है, ये जो ऊर्जा का संचरण है वह दो गुणों के कारण होता है, प्रत्यास्थता और जड़त्व के कारण। प्रत्यास्थ गुणधर्म के कारण क्या होता है, बल लगाने पर वो विस्थापित हो जाता है माध्यम के कण और बल को हटाने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, और जड़त्व के कारण माध्यम में अवस्था परिवर्तन का विरोधक गुण होता है। इस प्रकार माध्यम के कण अपनी प्रत्यास्थता एवं जड़त्व के गुण के कारण अपनी साम्य और स्थिति के ऊपर और नीचे कंपन करते रहते हैं। तरंग गति में किसी माध्यम में उत्पन्न तरंग गति क्या हो जाता है, किसी माध्यम में, अभी हम विक्षोभ के बारे में चर्चा की, विक्षोभ कैसे उत्पन्न हुआ, अब तरंग गति क्या है, तो किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसा विक्षोभ है जो बिना माध्यम के प्रवाह के माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा का संचरण करता है। इसके लिए आवश्यक गुण था माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए जिसके कारण माध्यम के कणों में प्रत्यानयन बल लगेगा और वे आवर्ती गति कर सकेंगे। जड़त्व का गुण होना चाहिए क्योंकि कंपन करता हुआ कण जब अपनी साम्य स्थिति में होता है तो प्रत्यानयन बल शून्य हो जाता है, लेकिन जड़त्व गुण होने के कारण कण साम्य स्थिति से आगे निकल जाता है और कंपन समाप्त नहीं होता। माध्यम का प्रतिरोध कम होना चाहिए अन्यथा अवमंदक बल के कारण कंपन करने वाले कणों का आयाम जल्दी कम होकर के शून्य हो जाएगा। ये कुछ उस माध्यम के गुण थे। और तरंग गति की विशेषताएं क्या हैं, तो तरंग गति की विशेषता यह है कि जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है वह विक्षोभ अपनी मौलिक आकृति में निश्चित चाल से आगे बढ़ते जाता है। विक्षोभ संचरण की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और उसके घनत्व पर निर्भर रहती है। माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर एक ही निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं और विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते। मुख्य बात यह है कि कण वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, विक्षोभ आगे बढ़ता है। माध्यम में ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा में अर्थात तरंग गति की दिशा में होता है। ऊर्जा आगे बढ़ता है और वह ऊर्जा कैसे आगे बढ़ता है, किस दिशा में, जिस दिशा में विक्षोभ बढ़ रहा है अर्थात तरंग। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से ऊपर नीचे या आगे पीछे कंपन करते हैं, लेकिन प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। विक्षोभ जब आगे बढ़ता है कि कोई कण, तो वह अपने स्थान पर कंपन करता है, अपनी गति को अपने नजदीक वाले दूसरे कण को दे देता है, वह कंपन करने लगता है, गति करने लगता है, और गति नहीं करता कण, कण वहीं पर कंपन करता है और अपनी ऊर्जा
इस प्रकार से वो आगे स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से यह था तरंग, और इसमें फिर यांत्रिक तरंगों में अनुप्रस्थ और अंदर तरंग के बारे में आज बताया गया था, जिसमें कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, और माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अंदर तरंग में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है। माध्यम में इस प्रकार के उत्पन्न तरंग को अंदर तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में उत्पन्न किया जा सकता है, इसके लिए दृढ़ माध्यम आवश्यक है, गैस में नहीं होता। द्रव में होगा तो केवल उसकी सतह पर होगा, उसके अंदर नहीं होगा। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ। लेकिन अंदर तरंग जो है वो सभी माध्यम अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों में। उसके बाद बताया गया था आपको ध्वनि तरंग के बारे में। प्रत्यास्थ माध्यम में उत्पन्न हुए समस्त तरंगे, चाहे वो हमको सुनाई दें या न दें, ध्वनि तरंग कहलाती हैं, और इसके लिए ध्वनि स्रोत का कंपन होना आवश्यक है। ध्वनि तरंगें अंदर तरंग होती है। ध्वनि तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। ध्वनि तरंगों में ध्वनि की घटना संभव नहीं है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि तरंगों का वेग भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। इसके बाद तरंग गति संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द भी बताया गया, जिसमें कि तरंग चाल, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य में संबंध बताया गया था कि v इक्वल टू एन लेमडा होता है। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम तरंग गति की चाल पढ़ेंगे। अभी जो ये सूत्र बताया गया था v इक्वल टू एन लेमडा, तो तरंग गति की चाल जैसा अभी बताया गया थोड़ी देर पहले कि भिन्न भिन्न माध्यमों में तरंगों का वेग अलग अलग होता है, तो उसी में फिर और विस्तार से पढ़ा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।